वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। हमारे प्यारे दोस्त और जबरदस्त शायर और ऐसी शख्सियत के जिनके साथ गप लगाने का बड़ा लुत्फ आता है, शकील जाजिब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और अभी ब्रेक में हम हंस रहे थे कि ये वो हैं जो कि हैं तो एक सिविल सर्वेंट, अकाउंट्स और फाइनेंस इनका ताल्लुक है, शायरी बड़ी मजबूत बहुत ही जबरदस्त करते हैं, लेकिन अभी एक और भी काम होते होते रह गया था कि ये MBBS के फाइनल ईयर से ड्रॉप आउट है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मतलब, तो भाई खैरियत से? बिल्कुल ठीक। तो वो अभी जो हम ब्रेक में बात कर रहे थे, ब्रेक से मुराद काफी मरीजों के हक में बेहतर हो गया। देखिए आप खुद कह रहे हैं, मैंने नहीं कहा। नहीं, मैंने इसीलिए छोड़ा। मैंने भी मरीजों के हक में फैसला किया फाइनल ईयर में जाके। फाइनल ईयर असल में मेरा इरादा खैर शुरू से ही नहीं था। अच्छा। लेकिन वो पेरेंट्स की ख्वाहिश थी, तो उस वक्त कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या करना है, किधर जाना है। लेकिन MBBS का फाइनल ईयर में जाके तो आप तकरीबन पूरे डॉक्टर बन चुके होते हैं। लेकिन वो इत्तेफाक ये हुआ कि फाइनल ईयर में मैंने एग्जाम दिया, पहले PCS का और फिर CSS का। PCS में भी सिलेक्शन हो गई, CSS में भी सिलेक्शन हो गई। तो अब मैंने, मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि क्या डिसाइड करूं, फाइनल ईयर कंटिन्यू करूं या नौकरी शुरू कर दूं। तो वो फिर कुछ दोस्त थे, उन्होंने, समझदार लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई अगर तुमने बाद में भी यही करना है तो अभी कर लो। अच्छा, तो लोग अभी भी आपको कोई डॉक्टर साहब कहते हैं? जो पुराने क्लास फेलोज मिलते हैं वो अभी और या उस जमाने के लोग जो मेडिकल कॉलेज के जमाने के मुझे जानते हैं, वो उनके मुँह पे भी डॉक्टर साहब भी चढ़ा हुआ है, तो वो डॉक्टर साहब ही कहते हैं। वैसे आप अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में काफ़ी मकबूल रहे होंगे अपनी शायरी की वजह से। शायरी एक ऐसा चार्म होता है कि जिसकी वजह से आप लोगों की तवज्जो का मरकज बन जाते हैं। एक ऐसा जाल होता है मतलब। और मेरा तो जो फाइनल ईयर में मेरा मजमूआ भी आ गया था। अभी आप MBBS के फाइनल ईयर में थे? फाइनल ईयर में था। अरे वाह, अरे वाह। तो वो उस वजह से फिर एक और वो बन गई। अच्छा जी, तो आपसे आज हमने कुछ सुनना भी है, कुछ आपका PTV के साथ तो खैर बड़ा पुराना रिश्ता और ताल्लुक है, लेकिन सुखनवर जो अभी पिछले कुछ अरसे से हम आपको सुखनवर में देखें, उसकी भी गप लगानी है। लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ इनायत हो। एक गजल के मैं कुछ शेर आपको सुनाता हूँ, उसके बाद आगे गुफ्तगू रखेंगे। एक बिल्कुल ताज़ा गजल है। अरे वाह। कि हमारी बेकसी पे तुमको प्यार कैसे आ गया? वाह। हमारी बेकसी पे तुमको प्यार कैसे आ गया? खिजां के होते मौसम में बहार कैसे आ गया? वो दिलजदों का काफला वहीं कहीं है दश्त में। वो दिलजदों का काफला वहीं कहीं है दश्त में। तो फिर हजूर शाह तक गुबार कैसे आ गया? वाह वाह वाह, क्या। तो फिर हजूर शाह तक गुबार कैसे आ गया? काफले का गुबार जो है जी, क्या। न लौ लगी है फिर कहीं, न तुमको भूल पाए हैं। वाह वाह। न लौ लगी है फिर कहीं, न तुमको भूल पाए हैं। तो फिर दिले तबाह को करार कैसे आ गया? तो फिर दिले तबाह को न लौ लगी है फिर कहीं, न तुमको भूल पाए हैं। तो फिर दिले तबाह को करार कैसे आ गया? हमारे रत जगे हमारे अश्क ये बताएंगे। हमारे रत जगे हमारे अश्क ये बताएंगे। हमें सितारगान का शुमार कैसे आ गया? हमें सितारगान का शुमार कैसे आ गया? और फिर सुनिए कि यहाँ तलिस्म रंगबू न मैं कशों की हाव हूँ। यहाँ तलिस्म रंगबू न मैं कशों की हाव हूँ। यहाँ हजूर मैं गुनाहगार कैसे आ गया? यहाँ हजूर मैं गुनाहगार कैसे आ गया? यहाँ तलिस्म रंगबू न मैं कशों की हाव हूँ। यहाँ हजूर मैं गुनाहगार कैसे आ गया? यहाँ बगैर इज्न के न लब हिले न गुल खिले। वाह। यहाँ बगैर इज्न के न लब हिले न गुल खिले। ये फूल तैरता नदी के पार कैसे आ गया? ये फूल तैरता नदी के पार कैसे आ गया? जरूर कोई शह मिली है, वरना जोर वालों के मुकाबले पे जाजिब नजार कैसे आ गया? वाह 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 वाह, मुकर्रर। जरूर कोई शह मिली है, वरना जोर वालों के मुकाबले पे जाजिब नजार कैसे आ गया? क्या अच्छा। इस वक्त अभी पिछले दिनों पब्लिशिंग की बात हो रही थी कि मुत्तहिदा अरब अमारात में एक किताब मिली, लेकिन पाकिस्तान के पब्लिशर्स जी, एक बहुत गिला, ख़ासतौर पे आपकी नस्ल के शोरा अदीब और जो कहानीकार हैं उनको है कि जी किताब गिफ्ट में तो मांग लेते हैं लेकिन खरीदता, ये क्या अभी ये तो बात में क्लिशे बन चुकी है या आपके ख्याल में बेहतरी है? असल में तोशिक भाई, बात ये कि हम हमारी नस्ल भी, इससे पिछली नस्ल भी, और शायद हर नस्ल का ये अलमिया होता है कि हम स्टिक हो जाते हैं। किताब इन द फॉर्म ऑफ पेपर बुक शायद उस तरह से नहीं रही,
लेकिन अब आप देखते हैं कि किताब के मुतबादल इतने मीडिया आ चुके हैं। किताब का मकसद क्या था? एक मैस कम्युनिकेशन था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए। हाँ, एक दूसरी चीज़ जो जिसका बहरहाल एक वो रहेगा कि उस पर वो एक प्रिजर्व हो जाती थी चीज़, आज गालिब की, अनीस की, हाफिज़ की, ये सारी चीज़ें आपको किताब की तवस्सुत से ही आप तक पहुँची। अगर किताब ना होता तो वो नहीं पहुँचती। लेकिन आज हम देखते हैं तो हमें मीडिया के और इतने ज़्यादा बेहतर अंदाज नज़र आ रहे हैं। आज आज वीडियो रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, आज PDF के ऊपर फेसबुक पे मौजूद हैं, फेसबुक पेजेस मौजूद हैं, आपके यूट्यूब चैनल्स मौजूद हैं। यानी उसका सब्स्टिट्यूट इतना आ चुका हुआ है कि और उसकी रीच मिलियंस में है। यानी किताब आप 500 छपती थी, 1000 छपती थी, बल्कि इसमें मुझे एक बड़ा मज़ेदार वाकया याद है। एक दफ़ा नदीम साहब, अहमद नदीम कासमी साहब से बात हो रही थी, तो वो कहने लगे कि मैं किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गया था, तो अमेरिका का या बाहर का कोई राइटर मेरे से पूछ रहा था कि आपके यहाँ जो किताब छपती है वो कितनी तादाद में छपती है। तो कहते मैंने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा, मैंने कहा इसे मैं 1000 कहूँगा या 1500 कहूँगा तो बड़ी बिजली वाली बात है। तो मैंने उसे कहा कि 5000 किताब छपती है। तो कहता वो अफसोस करने लगा, उसने कहा कि आपकी आबादी कितनी है मुल्क की? कहते उस वक्त 10 करोड़ आबादी थी या 8 करोड़ आबादी थी। उन्होंने कहा जी 8 करोड़ आबादी, बहुत साल पहले की बात। उन्होंने कहा जी 8 करोड़ की आबादी में आप सिर्फ 5000 किताब छपती है, और वो 5000 भी नहीं बिकती, या वो 5000 बिकती है। तो अभी अब ये जो मीडिया है, देखें नए नए लिखने वाले जितने भी आ रहे हैं, शायर हैं, वो क्यों हमसे या जो हमसे पहले वाले लिखने वाले थे उनसे वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे हुए हैं? इसलिए कि उन्होंने इफेक्टिवली यूज़ किया है इस मीडिया को, इंस्टाग्राम को यूज़ किया है, फेसबुक पेज को यूज़ किया। मैं करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ। इसमें भी कैसा लगता है कि अपना शेयर किसी और के नाम से आप तक पहुंचता है? अच्छा, इसमें ये चीज़ भी जो है वो बड़ा इसका हल हो सकता है, क्योंकि अब जो बेचारे इकबाल के साथ हो चुका हुआ है और फराज के साथ हो चुका हुआ है, उनके नाम पर जो जो शेयर लग चुके हुए हैं, तो एटलीस्ट अगर शायर खुद मौजूद है मीडिया के ऊपर और वो अपनी जबान से वो शेर सुना रहा है, तो उसका शेर गलत नहीं हो सकता, वो करेक्ट हो सकता है। हाँ, लेकिन वो जो होता है ना कि बस वो शेयर शेयर फॉरवर्ड फॉरवर्ड, वो उसमें गलती होती है, और वो कॉपी पेस्ट में तो आपको पता है उमन बहुत सारी गलतियां होती हैं। लेकिन किताब की एक अपनी बहरहाल अहमियत है, वो एक रोमांस जो किताब के साथ है वो शायद वो उसका उसका ताल्लुक जनरेशन से भी है। अब मैं किंडल विंडल के साथ मैंने दोस्ती करने की कोशिश की लेकिन नहीं हो सकी, और फिर मैंने उस पर मैं उलझा नहीं, मैंने कहा हाँ भाई ठीक है, हम मतलब हम पिछली सदी के लोग हैं और हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। अब टेक्नोलॉजी में मैं बहुत आगे हूँ कुछ चीज़ों में, लेकिन किताब वो कुछ चीज़ों के साथ आपकी एक दिली वाबस्तगी होती नहीं हो सकता, तो अब उलझना मैंने छोड़ दिया। अच्छा जी, अब ज़रा सुखनवर के बारे में थोड़ा सा बताइए। सुखनवर का असल में ये सुखनवर प्रोग्राम PTV के इब्तदाई प्रोग्राम्स में से था। यूसुफ कामरान साहब इसको होस्ट करते थे, और वो उन्होंने उस वक्त के जो इंटरव्यूज़ किए हैं, जो लेजेंड्स के इंटरव्यू थे अपने ज़माने के, ब्लैक एंड वाइट के ज़माने के, वो आज भी अभी कुछ उसमें सारे तो नहीं, कुछ जो उनके एपिसोड्स जो हैं वो अवेलेबल अभी भी हमारी आर्काइव में डिजिटाइज होकर मौजूद है। फिर उसके बाद ये इसका दूसरा सीज़न स्टार्ट हुआ तो उसकी होस्ट थी परवीन शाकिर जी, तो उन्होंने भी बड़े अच्छे इंटरव्यूज़ किए। उस वक्त कलर का ज़माना आ चुका हुआ था, और जो हमारे वो बड़े संजीदा किस्म के शोरा जो कि शायद उस तरह से पॉप पोइट्स नहीं थे या पॉपुलर पोइट्स नहीं थे, उनके उन्होंने इंटरव्यूज़ किए, और उनकी गज़लें, उनकी शायरी पे, उनकी शख्सियत पे, उनके बहुत सारे हवालों से। और वो ज़माना चूँकि आपको पता है सिर्फ PTV का ज़माना था, उस ज़माने में कोई और मीडिया, कोई और चीज़ नहीं थी, तो वो बहुत पॉपुलर हुए वो प्रोग्राम्स भी। तो अभी ये फिर ये कहा गया, अनीक साहब भी थे, फारूक साहब जो हमारे डायरेक्टर प्रोग्राम्स हैं, तो अख्तर वकार अजीम साहब जिन्होंने शुरू में ये प्रोग्राम सारे किए थे, तो वो उनसे सीजन 3 भी उनसे फिर कंसल्ट किया, तो उनकी भी फिर गाइडेंस ली, तो फिर हम सब ने मिल के हमने कहा कि इसका एक सीज़न 3 भी लॉन्च करते हैं, और हमारे जो आज के ज़माने के जो नाबगा रोज़गार शख्सियात हैं उसमें फिर हमने कोई 6-7-8 इंटरव्यूज़ अभी किए हैं, और ये सिलसिला अभी चल रहा है। इफ्तिखार आरिफ साहब का हमने किया, किशोर नाहिद साहिबा का किया, पीरज़ादा कासिम साहब का इंटरव्यू किया, तो ये मतलब यानी वो लोग अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके इंटरव्यूज़ होना चाहिए, और वो ये एक
तारीखी दस्तावेज़ भी एक तरह से बन रही है, यानी पीटीवी की आर्काइव के अंदर माशाल्लाह पहले ही इतनी एक ख़जाना जमा है, लेकिन अब ये चीज़ें उसमें एक ऐड ऑन हो जाएंगी, उसकी खूबसूरती में इजाफा हो जाएगा। खैर आपके लिए भी बड़े एजाज की बात है, जो हवाले आपने दिए यूसुफ कामरान साहब और परवीन शाकिर साहब, और उसके बाद आप सीजन 3 कर रहे हैं, बड़े एजाज की बात, बड़े एजाज की और फख्र की बात है। अच्छा शकील भाई, ये बताइए कि इस वक्त जो शायर नौजवान, जिसमें मैं आपको शामिल नहीं कर रहा हूँ, अब तो 50 को पहुंचने वाले हैं, तो अब 50 के होने वाली है जी, माशाल्लाह 50 होने वाली है। इस वक्त जो हमारे 20s में जो इस वक्त बच्चियां बच्चे शायरी कर रहे हैं, और आपके ख्याल में अच्छी शायरी कर, बहुत अच्छी शायरी, वो जो अच्छी या बहुत अच्छी बकौल आपकी शायरी है, क्या वो सहल पसंद है या आपके? अच्छा, ये एक बड़ा मैं भी यही समझता था एक ज़माने तक कि अभी जो नौजवान बच्चे बच्चियां शेर कह रहे हैं या जो नए शायर हैं, वो शायद ज़्यादा मुश्किल पसंदी की तरफ नहीं जाएंगे, वो बड़ी आसान और सामने की शायरी करेंगे। आसान और सामने की शायरी जो है वो मशहूर जल्दी हो जाती है, क्योंकि वो ज़ाहिर है उसके अंदर एक इनहेरेंटली एक चीज़ होती है कि वो आसानी से जो चीज़ समझ आ जाएगी वो जल्दी ज़बान ज़द खास आम हो जाएगी। लेकिन हम यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, हम मुशायरों में जाते हैं, बेशुमार मुशायरों में मतलब हम गए हैं, और वहाँ पर जो नए लिखने वाले लड़के हैं लड़कियाँ हैं, वो मैं हैरान हो जाता हूँ उन्हें, उनको सुन के कैसा लगता है, इन्होंने क्लासिकल पूरा पढ़ा हुआ है, और उनके मजामीन, उनकी डिक्शन वो किसी भी तरह से किसी बड़े शायर से कम नहीं होती। चूँकि नौजवान नस्ल में सिर्फ वो नाम आगे आए हैं जो बहुत आसान शेर कह रहे हैं, या जिसको हम मामलाबंदी की शायरी कहते हैं, जिसको हम एक लड़का लड़की टीन एज की शायरी जिसको एक ज़माने में कहा गया था, तो वो ज़्यादा पॉपुलर होती है। वो ज़ाहिर है आज से हमारा जो पिछली जनरेशन थी, फराज साहब के पर भी यही इल्ज़ाम लगा, परवीन शाकिर पर भी यही इल्ज़ाम लगा, और ब्रेकअप की शायरी है, ब्रेकअप की शायरी और टीन एज की शायरी है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें फिर डेप्थ भी आती जाती है। और अभी तो मैं जो असल में मेरा एक यकीन है तौसीक भाई के, जो अगली जनरेशन आती है ना, उसके बैकग्राउंड में, उसके बैकड्रॉप में अपनी पिछली तमाम जनरेशंस का इल्म और नॉलेज होता है, अगर पढ़ा हो तो। अगर वो ऑटोमेटिकली किसी ना किसी हद तक वो उन तक वो पहुंच जाता है, किसी ना किसी जरिए से वो पहुंच जाता है। तो लेकिन यू आर हैप्पी? हाँ, मैं बिल्कुल इस पर नाउमीद नहीं हूँ, बल्कि मैं बहुत पूर्व उम्मीद हूँ कि हमारे जो नए लिखने वाले हैं, जो नौजवान 20s में 30s में जो लोग लिख रहे हैं, वो बहुत अच्छा लिख रहे हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आप सब एक और गुजारिश भी रखते चलें इस लम्हे कि आप हमें कुछ आइडेंटिफाई करके, मैं तो कहता हूँ 30s भी नहीं 20s के अंदर बच्चे बच्चियाँ आपने मुझे और अनीक को आइडेंटिफाई करना, बिल्कुल, और उनको हम राइजिंग पाकिस्तान में फीचर करना चाहेंगे। एक्चुअली तो वो है राइजिंग पाकिस्तान। हाँ, एग्जैक्टली वो है राइजिंग पाकिस्तान, और उनको बुलवा के उनके, जैसे आपने कहा कि बहुत अच्छे मजामीन भी वो बांध रहे हैं, डिक्शन बहुत शुस्ता और अच्छी है, मजबूत है, तो उनको हमें बुलाकर उनको भी सुनना चाहिए। इसमें तौसीक भाई, मशहूर ना भी होता, हाँ, इसमें तौसीक भाई ये भी नहीं है कि वो बड़े मराकज में बैठे हुए हैं, वो दूर दराज इलाकों में बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, आप हमें बतलाइए, उनको हम रीच आउट करेंगे और उनको हम फीचर करना चाहेंगे। मेरे ख्याल ये भी हमारे शो की कॉन्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। बिल्कुल, कुछ इनायत हो जी, एक गजल के मैं कुछ अशार पेश करता हूँ कि रंजे बे अदाई क्या, जामे आशनाई क्या, रंजे बे अदाई क्या, जामे आशनाई क्या, माँ सिवाय तन्हाई इश्क की कमाई क्या। अरे अच्छा, माँ सिवाय तन्हाई इश्क की कमाई क्या, खाली खाली आंखें हैं खोखले से जिस्मों पर, खाली खाली आंखें हैं खोखले से जिस्मों पर, बेयकीन रिफाकत में वसल क्या जुदाई, जुदाई क्या। अच्छा, बेयकीन रिफाकत में वसल क्या जुदाई क्या, अच्छी छोटी बहर, और जब्त से तकल्लुम तक सबका सब ही धोखा है, जब्त से तकल्लुम तक सबका सब ही धोखा है, दिल में क्या समाया था लब पे बात आई क्या, क्या अच्छा है, क्या अच्छा, जब्त से तकल्लुम तक सबका सब ही धोखा है, दिल में क्या समाया था लब पे बात आई क्या, लब पे बात आई क्या, किसको खौफ रुसवाई इश्क सर का सौदा है, किसको खौफ रुसवाई इश्क सर का सौदा है,
जान पर बने जिसकी उसको जग हंसाई क्या। वाह, जान पर बने जिसकी उसको जग हंसाई क्या, और जॉन जैसे हुलिये से जॉन तो नहीं बनता। आहा, वाह वाह, जॉन जैसे हुलिये से जॉन तो नहीं बनता। दश्ते रायगानी में खाक भी उड़ाई क्या। वाह 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 वाह, जॉन जैसे हुलिये से जॉन तो नहीं बनता। दश्ते रायगानी में खाक भी उड़ाई क्या। और फिर सुनिए कि मैं लहू की सरगोशी सुन मुझे अकेले में, मैं लहू की सरगोशी सुन मुझे अकेले में, शोर गुल में दुनिया के दूंगा मैं सुनाई क्या। शोर गुल में दुनिया के दूंगा मैं सुनाई क्या, आप भर के लाए हो आग अपनी झोली में, आप भर के लाए हो आग अपनी झोली में, दिल जले के घर जाजिब इश्क में दुहाई क्या। दिल जले के घर जाजिब इश्क में दुहाई क्या। रंजे बे अदाई क्या, जामे आशनाई क्या, माँ सिवाय तन्हाई इश्क की कमाई क्या। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शकील साहब, ये जो सुखनवर का जो सिलसिला है, इसके लिए बेस्ट ऑफ लक। बहुत शुक्रिया। लेकिन इसके अंदर एक चीज हम भी आपको मशवरा तो नहीं, फरमाइश, उस फरमाइश में आप ही की बात को आगे लेकर चलूंगा कि हमारे बहुत से ऐसे दूर अफ्तादा इलाके हैं जहाँ बहुत अच्छा और बहुत कुछ कहा जा रहा है। बेशक, ये हो गया पहला पॉइंट जो आप ही का पॉइंट। इसमें ऐड मैं ये करना चाह रहा हूँ, उस कहे जाने में बहुत सी दूसरी जुबानों में भी कहा जा रहा है। हाँ, तो मेरा एक मशवरा ये होगा कि बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा कहा जा रहा है, कोई शक नहीं। सुखनवर के में मेरा उर्दू से हट के हमारी सराइकी में जो मजामी बन रहे हैं इस वक्त, सिंधी में, पंजाबी में, मैं अभी कल उनकी शमूलियत भी होनी चाहिए, ये फरमाइश। कल हम तौसीफ भाई कहीं बैठे हुए थे कश्मीर में एक दोस्त के यहाँ, और वहाँ ये बात हो रही थी, तो वहाँ एक दोस्त ने ये बात की, उसने कहा कि जो ये बलोची की उसने बात की, उसने कहा बलोची में इस वक्त जो शायरी हो रही है और ब्रावी के अंदर जो शायरी हो रही है और ये पोटवारी के अंदर जो शायरी हो रही है, पंजाबी के अंदर जो शायरी हो रही है, ऐसे ऐसे बड़े शायर हैं जिसमें के, और इतना खूबसूरत एक्सप्रेशन है उसमें। उर्दू बहरहाल इन जबानों के मुकाबले में बहुत यंग जबान है, बहुत कम उम्र जबान है। उर्दू तो बमुश्किल 200-300 साल हुए, ये हज़ारों सालों से ये जबानें चली आ रही हैं, तो जिस जबान को जितना जमाना गुजरता है उतना उसके अंदर ताकत और उसकी इस्तेदाद बढ़ती है। तो सुखनवर में जी बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी आपकी सजेशन है और ये सिलसिला बहुत आगे इंशाल्लाह। और मेरा ख्याल है कि आपका जो नाजिर है ना, जो सुखनवर का जो आपका लॉयल नाजिर है, उसके लिए बहुत अच्छा है कि वो दूसरे अजहान की उस क्या फिक्र है, क्या मजामीन है, क्या वो उसको सुने मफहूम के साथ उनके ऊपर बात करें। तो ये हमारी फरमाइश है, बिल्कुल कोई शक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया। ऑलवेज अ प्लेजर। पीटीवी के साथ तो ये बिल्कुल दूसरा घर है पीटीवी हमारा, नो डाउट। हम सबका बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत शिफावी का जी। किधर है आप? इधर है। अच्छा, तो भाई आज का शो कैसा आपको लगा? आपको याद है प्रोग्राम के आगाज में मैंने आपको कहा था कि बहुत डाइवर्स है, कहाँ तो आयत मेरी क्लास फेलो हमें ग्रीनरी और प्लांटेशन की तरफ लेकर गई, मनाहिल ने कितनी जुदा हमें न्यूज़ सुनाई, डॉक्टर साहिबा की भी बड़ी एक अपना ही अंदाज था, और शकील भाई, एंड ऑफकोर्स उबैद को तो हम भूल नहीं सकते जिन्होंने आलमगीर को ट्रिब्यूट दिया। तो हमारे व्हाट्सएप नंबर और हमारे इंस्टाग्राम पे जो स्क्रीन पे आवेज आए हैं, राइजिंग पाकिस्तान _PDVHOME और 0308893649, इस पे आपने हमें फीडबैक जरूर देना है। शकील भाई की शायरी आपको कैसी लगी? इनका कोई शेर आपने कहीं पढ़ रखा हो, सुन रखा हो और आपको पसंद हो, वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। जिंदगी ने दी इजाज़त, फिर मिलेंगे, खुश रहिए, खुदा हाफिज़।